हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैंट कट लोअर के बारे में। पैंट वाले लोअर की कारीगरी कितनी चल रही है और पैंट वाले लोअर को बनाने में कौन कौन सी मशीनों का यूज़ होता है, क्योंकि पैंट वाला लोअर मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका ट्रेंडिंग में चलने की एक ही वजह है, इसका रेट। यानी ये बहुत ही कम रेटों में आपको पैंट वाला लोअर मिल जाता है, यानी पूरी पैंट बनी बनाई मिल जाती है। केवल उसका कपड़ा ही तो लोअर वाला होता है, बाकी वो पूरी पैंट होती है बनी बनाई। क्योंकि वहीं पर अगर आप पैंट सिलवाते हैं, एक सिविल वाली पैंट सिलवाते हैं, तो आपको कपड़ा देना पड़ता है अपना, और प्लस उसकी कारीगरी, उसकी सिलाई देनी पड़ती है। तो एक पैंट की सिलाई कम से कम 200-250 रुपये चल रही है, क्योंकि आप अपना कपड़ा भी देंगे प्लस 200-250 रुपये सिलाई देंगे। वहीं पे आपको 250-250 रुपये में पैंट वाला लोअर आराम से मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पैंट कट लोअर की कारीगरी के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको इसे बनाने में कौन कौन सी मशीनों का यूज़ होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो मैं कारीगरी के रेट बता रहा हूँ वो मेरे यहाँ के हैं। हो सकता है आपके यहाँ ज़्यादा हो या कम हो, उसका मुझे नहीं पता। और जो भी आपके यहाँ रेट हो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है। फिर आप मुझसे कहें कि आपने ये रेट बताया और मेरे यहाँ तो ये रेट चल रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि हर जगह का रेट अलग होता है, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है रेटों में। तो आप अपना रेट मुझे ज़रूर बताएं, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, आप कमेंट में अगर हमें बताएंगे तो इससे बहुत लोगों को नॉलेज मिलेगी। तो कमेंट में आप अपने यहाँ का रेट ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, और अपने शहर का भी नाम ज़रूर लिखें, जिससे जो आपके आसपास के लोग हों उन्हें जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैंट कट लोअर को बनाने में कौन कौन सी मशीनों का यूज़ होता है। दोस्तों, ये पैंट कट लोअर है और इसे बनाने में कितनी मशीनों का यूज़ किया गया है। तो इसे बनाने में, पैंट कट लोअर को बनाने में 3 मशीनों का यूज़ किया गया है, जिसमें पहली मशीन है सिंगल नेडल मशीन। ये आप सिलाइयाँ देख रहे हैं, ये सिंगल नेडल मशीन की हैं दोस्तों, और ये चैन लगी है, ये भी सिंगल नेडल मशीन से लगी हुई है। और दूसरी जो मशीन है वो है 4-थ्रेड मशीन। यहाँ पर आप ये अंदर सिलाइयाँ देख रहे हैं, ये 4-थ्रेड मशीन से लगाई गई हैं, और ये आप सिलाइयाँ देख सकते हैं, ये भी 4-थ्रेड मशीन से लगाई गई हैं, ठीक है। तो पहली हो गई सिंगल नेडल मशीन, दूसरी हो गई 4-थ्रेड मशीन, और तीसरी मशीन का इसमें यूज़ किया गया है वो है फ्लैट लॉग मशीन। यहाँ पर आप ये साइड में सिलाई देख सकते हैं, ये फ्लैट लॉग मशीन से लगाई गई है। यहाँ पर भी आप बैक में देख सकते हैं, यहाँ भी फ्लैट लॉग मशीन से ये सिलाई लगाई गई है। तो तीसरी मशीन है फ्लैट लॉग मशीन, और इसकी जो मोरी होती है वो भी फ्लैट लॉग मशीन से ही मोड़ी जाती है, ठीक है। तो इसे बनाने में 3 मशीनों का यूज़ होता है, सिंगल नेडल मशीन, 4-थ्रेड मशीन और फ्लैट लॉग मशीन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी कारीगरी क्या चल रही है, इन पैंट कट जो लोअर होता है इसकी कारीगरी क्या चल रही है। तो दोस्तों, इसकी जो कारीगरी चल रही है वो करीब चल रही है मेरे यहाँ 29 रुपये, 29 रुपीज़। वो कैसे दोस्तों, इसमें जो सिंगल नेडल मशीन का काम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंगल नेडल मशीन का काम है, और ये बेल्ट पर भी सिंगल नेडल मशीन का काम है, और यहाँ पर भी ये पॉकेट पर सिंगल नेडल मशीन का काम है। तो दोस्तों, सिंगल नेडल मशीन वाला कारीगर हमसे 15 रुपये लेता है, ठीक है, वो इतना काम करके देता है। ये पॉकेट बनाएगा और ये लगाएगा, ये चैन लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बेल्ट बनाएगा, और प्लस बैक पॉकेट भी उसे लगानी होती है। ये देख सकते हैं 15 रुपये में वो इतना काम करके देता है, ठीक है। और 15 रुपये हो गए सिंगल नेडल मशीन वाले के, और उसके बाद 4-थ्रेड मशीन वाला जो होता है वो लेता है हमसे 7 रुपये, यानी 7 रुपये पीस। तो दोस्तों, वो 7 रुपये में क्या क्या करता है, पॉकेट जो अंदर होती है अस्तर, यहाँ पर उसे एक सिलाई लगानी पड़ती है, ठीक है, और ये साइड में जो सिलाइयाँ हैं ये जुड़ाई करनी पड़ती है 4-थ्रेड मशीन वाले को पहले, और यहाँ पर ये बैक में जो सिलाई लगी है इसके अंदर, वो पहले 4-थ्रेड मशीन वाले को लगानी पड़ती है। यहाँ पर ये 4-थ्रेड मशीन वाला लगाता है, और ये बेल्ट भी अटैच 4-थ्रेड मशीन वाला करता है, ठीक है। तो 7 रुपये 4-थ्रेड वाले के हो गए,
और फिर इसके बाद दोस्तों फ्लैट लॉक मशीन वाला 7 रुपये लेता है। 7 रुपये में वो क्या क्या करता है, यहाँ पर ये साइड की सिलाई लगाता है, ये देखिए ये फ्लैट से लगी हुई है, ये लगाता है और दोस्तों इसकी मोरियाँ मोड़ता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये बैक में जो सिलाई लगी है ये लगाता है। ये आप लुप्पी देख रहे हैं, ये लुप्पी भी फ्लैट लॉक मशीन से ही बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट लॉक मशीन की सिलाई है ये अंदर, ठीक है। और ऊपर से तो ये सिंगल नीडल मशीन से अटैच की जाती है, बाकी ये बनाई है हमने फ्लैट लॉक मशीन से। ये फ्लैट लॉक मशीन वाले का काम हो गया। तो दोस्तों सिंगल नीडल मशीन वाला 15 रुपये लेता है और 7 रुपये लेता है फोर थ्रेड मशीन वाला वाइस, और 7 रुपये लेता है फ्लैट लॉक मशीन वाला। तो दोस्तों टोटल हो गए 29 रुपये। तो ये पैंट कट लोअर बनाने में 29 रुपये का खर्चा आता है। और बाकी दोस्तों और भी इसमें खर्चे होते हैं, जैसे ये काज बटन होता है इसका खर्चा अलग है, और जो कटिंग है इसकी कटिंग का हमने नहीं जोड़ा है वो खर्चा अलग है, हमने केवल कारीगरी के बारे में बताया है। तो दोस्तों कारीगरी इसकी 29 रुपये है, हो सकता है आपके यहाँ ज़्यादा हो या कम हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।